भारत की संसद में हर विधेयक प्रस्तावित विधेयक पर भी चर्चा होती है और विधेयक बनाते समय उस पर संसद के दोनों सदनों के अंदर समस्त विधेयकों पर अच्छी चर्चा हुई, संवाद हुई, तर्क वितर्क हुए, कई विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुए, कई विधेयकों में सहमति असहमति मत विभाजन हुआ। लेकिन भारत का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है जहां सभी मान्य सदस्यों को अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और अपनी क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से अवगत कराने का काम भी करते थे। संसद का सत्र सुचारू चले, व्यवस्थित चले, इसके लिए सभी मान्य सदस्यों का सहयोग रहता है। हमारी कोशिश है कि संसद सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले, तर्क वितर्क हो, वाद विवाद भी हो और सभी मान्य सदस्य अपनी बात संसद के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए ठीक से कारगर नियमों प्रक्रियाओं के तहत उपयोग करें, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है। भाई साहब, जिस सत्र बहुत लंबा होता है उसके बावजूद सभी सदस्य जो अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, तो ये चिंता का सही बात है कि हमारा संसद माननीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अधिकतम माननीय सदस्यों को कई अलग अलग नियमों के तहत वो अपनी बात को कह सके और सदन अगर सहमत होता है तो सदन को बहुत समय के बाद भी कई घंटों तक हमने चलाया है, क्योंकि एक माननीय लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और वहाँ 16 से 20 लाख मतदाता होते हैं, इसलिए उनकी जनभावनाओं को पहुँचाने का, उनकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करने का एकमात्र माध्यम संसद है। इसलिए मेरी और कोशिश है कि मैं अधिकतम मान्य सदस्य अपनी बात रख सके, उसके लिए पर्याप्त समय भी देंगे, पर्याप्त अवसर भी देंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का रवैया बहुत सख्त नजर आ रहा है विधानसभा में, आप किस नजरिए से देखते हो? माननीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ठीक से निर्वाह कर रहे हैं।